जनपद औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मामला जनपद औरैया के थाना दिव्यापुर के अंतर्गत ग्राम जमोली का है। मंजेश देवी पत्नी रविशंकर की 5 पुत्रियां हैं। छोटी पुत्री गुंजन कुमारी जो कि इंटरमीडिएट क्लास की छात्रा है, दिनांक 5 जुलाई 2023 की रात्रि गांव के ही दबंग वीरेंद्र अतुल कुमार राजू ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित महिला के पति को शराब पिलाकर महिला के घर आए और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़ित महिला एवं उसकी नाबालिग पुत्रियां दुर्गा प्रिया किशोरी गुंजन सिया ने देखा अतुल कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार गेट में लात मार रहा था और कह रहा था कि तुम सबको आज खत्म कर दूंगा। इसी बीच छोटी पुत्री गुंजन कुमारी ने फोन में ऑडियो बनाया और पुलिस को फोन मिलाया। 112 फोन न लगने पर महिला ने चौकी इंचार्ज को फोन किया और बताया कि दबंग गेट पर खड़े होकर के मारने की धमकियां दे रही है। फोन पर चौकी इंचार्ज ने कह दिया कि बरसात हो रही है, बरसात बंद होने पर आऊंगा। इतने में अतुल कुमार ने अंदर घुसकर महिला के नाबालिग पुत्री के बाल पकड़कर खींचे और तमाचा मारकर भाग गए। पीड़ित महिला की पुत्री ने जिसका पूरा ऑडियो बनाया। महिला इसकी शिकायत करने चौकी इंचार्ज के पास गई तो वहां महिला को डांट फटकार कर भगा दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि गांव के दबंग कहते हैं चौकी इंचार्ज हमारे रिश्तेदार हैं, तू जो कर पाए कर लेना। आए दिन दबंग महिलाओं की पुत्रियों को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं और गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी तक देते हैं और चौकी इंचार्ज सत्य घटना को मानने के लिए तैयार नहीं। बेटा क्या नाम आपका? गुंजन। किस ग्राम की रहने वाली? जमौली के। थाना कौन सा लगता है आपको? दिव्यापुर। जिला? औरैया। आपके पिताजी क्या नाम है? रविशंकर। क्या घटना हो गई है? तो पापा हमारे दारू पीते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, हैं तो वो लोग आए हमें मारा। अब सारे लोग घर पे थे, पापा नहीं थे। अच्छा। ये हाथ पकड़ के घर से ले गया, हमें मारा खींच के। उसकी मम्मी थी, बहन थी, ये 3-4 लोग थे और राजू था। क्या नाम है चारों लोगों? क्या क्या नाम है? किसने मारा? अतुल, राजू, अलका और राजकुमारी ने। इन्होंने क्यों मारा आपको? बस ऐसे ही फालतू में मारा। हम लोग तो बस बैठे रहते पापा के साथ, ये लोग घूमते रहते। पापा से बोलते खेती बेचो, तुम्हारी लड़कियां गलत हैं, हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों की पढ़ाई बंद करवा रखी है पापा ने, कि तुम्हारी लड़कियां गलत हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हमारी 12th है इस साल। 12th है? हाँ जी। तो इसका कुछ साक्ष्य आपके पास? लड़के ने मारा है उसका? हाँ, हमारे पास वीडियो बनाई थी, रात के समय वीडियो बन नहीं पाई तो ऑडियो बनी गई है। ऑडियो है? हाँ। वो लड़का मार रहा है उसकी ऑडियो है? हाँ। तो आपने या आपकी माताजी ने कोई शिकायत नहीं की? प्रार्थना पत्र दिया है? चौकी गई थी? हाँ, चौकी नहीं गए थे। तो कहाँ गई? चौकी वालों को फोन किया था, वो लोग आए नहीं। अच्छा, आए नहीं। थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। थाना क्या कह दिया? थाने भी डांट फटकार के भगा दिया कि जो चौकी वाली करेगी वही होगी, और चौकी वाली कहती है कि तुम लोगों की गलती है, वो लोग चौकी वाले उन्हीं लोगों के साथ हैं। अच्छा, तो आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले, ऐसे कब तक रहेंगे यहाँ, कैसे आप... मार खाते रहेंगे सब लोगों को। अच्छा, आपके पिताजी का क्या कहना है इस मामले पे? पिताजी हमारे उनके साथ हैं, पिताजी बोलते हैं कि फिर से उन्हीं से मरवाएंगे। अच्छा, पिताजी बोलते हैं? हाँ, दारू पी के आते हैं और उनके साथ रहते हैं दिन भर। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मंजेश कुमारी। किस ग्राम की रहने वाली हैं? जमौली। थाना? दिव्यापुर। जिला कौन सा पड़ता है? औरैया। क्या मामला है? मामला सर हमारा पुराना है, 2 साल का। क्या? इसी विवाद को लेके जो लोग हमें चैन से रहने नहीं देते। कौन नहीं रहने देता? यही है अतुल, अंकित, राजू, प्रदीप, जो 6 लोग हैं। ये लोग गाँव के ही है ना? हाँ, गाँव के ही है। किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है ये? ये तो सर अभी है, ये लड़की को हमारी को खींच लिया घर से। कब खींच लिया? 6 तारीख को शाम को। किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? क्यों आप अपने बाप से लड़ती हो, मारती हो? अच्छा, पति हमारा दारूबाज, दारू पी के आता, गालियां देता है, 2 महीने से कलेश कर रहा बराबर। अच्छा, जो अब लोगों ने उसको मारा पीटा तो जो दुश्मन थे हमारे भी बच्चे, फिर सब आए सारे लोग हम लोगों को, उन्होंने मारा आप लोगों को? हाँ। आपने इसकी को? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? वो एप्लीकेशन दिया? हाँ दिया है, हमने एसपी के यहाँ दिया है, थाने में भी दिया। आप चौकी गई थी? चौकी नहीं गए थे सर, मैं थाने गए थे, लेकिन वहाँ से मुझे यही कहा है कि देखो आपको न्याय मिलेगा। और जब चौकी तक मैटर पहुंचा थाने से, तो चौकी वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा मुझे डांटा है। क्या कह दिया चौकी वालों ने? चौकी वालों ने यह किया है कि देखो तुम्हारी लोगों की गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम आपस में लड़ते हो और घर वालों को नहीं फंसाते हो, उन लोगों को फंसाते हो। अच्छा, तो लड़की को किसने मारा? लड़की को मारा अतुल ने, अतुल की बहन बेलन लिए थी, अलका, उसकी माँ भी थी। अतुल ने हाथ पकड़ के खींचा घर से बाहर। आपने देखा? हाँ सर, हम 4-5 लोग का, हम सब रही लोग अपने कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास आईडियो है। आईडियो है, रिकॉर्ड किया था? हाँ। अच्छा, चलिए ऑडियो दे दीजिएगा। अब आप क्या कार्रवाई चाह रही हैं? अब कार्रवाई हम ये चाह रहे हैं सर, हमें ऐसे न्याय नहीं मिला तो मैं कैसे यहाँ रह पाएंगे, हमारे पास फूटा घर है सर, रात में छापेंगे, हम रात रात भर सोते नहीं है। क्या नाम आपकी लड़की, क्या नाम है जिसको खींच के लड़कों ने मारा? हमारी लड़की का नाम गुंजन। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है।
उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहती हैं? उच्च अधिकारियों से सर यही हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर, मुझे न्याय चाहिए, ऐसा न्याय चाहिए जो हम सुकून से यहाँ रह सके, जो अपनी बेटियों को आगे पढ़ा लिखा सके। बेटियाँ 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है जब से लड़ाई हुई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।